हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ताला। और मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कटवा भिंडी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आने वाली है मेरी रेसिपी। सो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मेथड की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ ही रहिएगा। जी व्यूवर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी डिश को, मेथड का आगे बढ़ाते हैं। और सो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, ठीक है, और इसमें ऑयल बहुत कम जाएगा क्योंकि ये भिंडी है तो ये वैसी ऑयल रिलीज़ करती है, लेसदार होती है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा। सो खैर, और इसके साथ ही मेरे पास ये दो बड़ी प्याज़ें थी, ठीक है, मैंने उसको इस तरह से ऐसे रफली चॉप कर लिया है, ठीक है। और अब ये भी इसमें शामिल कर देती हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके। जी व्यूअर्स, प्याज को हमने थोड़ा सा सॉटे करा था, ठीक है जी। और आप ये देखिए, हमने इसको हल्का सा कुक किया है, ठीक है ना, ज़्यादा हमने इसको कोई कलर नहीं देना है, ठीक है। और ये मेरे पास सफ़ेद जीरा है, तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद जीरा भी शामिल करने जा रही हूँ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा। और जीरे के साथ भी प्याज को हम अच्छी तरह से थोड़ा सा पका लेंगे और ये बहुत ही झटपट से क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है। तो आइए, ये मेरे पास 1/2 किलो के करीब भिंडियाँ थी, ठीक है, उसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। और ये मेरे पास एक बड़ा साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने भिंडियों पे ही डाल दिया है। और ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें थी जो आप साबुत भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसको इस तरह कट करके भी डाल सकते हैं, 2 आप टुकड़े करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्याज, जैसे ही प्याज थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो हम इसमें ये भिंडियाँ डाल देंगे बस। और भिंडियों में पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो भिंडी अपने ही पानी में और टमाटर के पानी में ही गलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जी व्यूअर्स, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और बस सपोर्ट करने वालों के लिए जो है दिल से दुआ निकलती है, ये बयान नहीं कर सकती मैं। ज़ाहिर है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो लेकर आती हूँ आपके लिए नई नई हर दफ़ा। और भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और भी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स और वीडियोस में लेकर आऊँ आपके लिए, लेकिन प्लीज़ आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ जो है आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें मुझे ताकि मुझे इस काम में और मज़ा आए और मेरा जो कॉन्फिडेंट है और बिल्डअप हो। जी भैया, इस कंडीशन में आकर अब हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर रहे हैं। ये जो मैंने आप अभी आपको मेंशन करी थी थोड़ी देर पहले, तो सॉल्ट एज पर नीड एंड 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 टेबल, ठीक है। और ये सब डालने के बाद इसको बस हम कवर कर देंगे
ताकि भिंडी और उसका टमाटर के पानी में इसको अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। और इसका हम फ्लेम कर देंगे लो मीडियम, ठीक है। इस पर मैं इसको सिर्फ 5 मिनट बनाऊँगी और फिर आइए 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, भिंडी जो है वो तैयार है। 5 मिनट्स बाद मैंने इसको भून लिया था और उसकी कुछ इस तरह की कंडीशन आई, ठीक है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो व्यूवर्स, ये देखिएगा भिंडी के कितनी माशाल्लाह से अच्छी से लुक आई है और बहुत ही टेस्टी सी, बहुत मज़ेदार बनी है। सो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अपने, और दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।